प्लेन जब क्रैश हुआ, निश्चित तौर पर देखिए बैठकों की अगर बात कर लें वो तो सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री प्रचंड वहां पर खुद ही बैठे हुए हैं और अधिकारियों से वो जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो लोग काल के गाल में समा गए उनकी जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती। सबक बस ये है कि आगे से ऐसा ना हो। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। अरविंद, और क्या क्या डिटेल्स आपके पास आ चुकी है, क्योंकि 32 डेड बॉडीज तो अब तक निकाली जा चुकी हैं। जी बिल्कुल, 32 डेड बॉडी निकाली जा चुकी है और जो प्रधानमंत्री है नेपाल के वो बकायदा खुद इस पूरे पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन आशुतोष, जैसा आपने कहा और जो एविएशन एक्सपर्ट हैं, आपको बताऊं जहां तक मेरी जानकारी है पिछले 12 साल में 8 विमान हादसे नेपाल में हो चुके हैं, यानी नेपाल की सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है। पिछले हादसे का आपने जिक्र किया था और खास तौर से जो यति एयरलाइंस है वो मोस्ट अनसेफ एयरलाइंस मानी जाती है। और बिल्कुल ये बात सही है कि न सिर्फ नेपाल के लोग बल्कि बड़े पैमाने पर फॉरेनर और इंडियन नेशनल्स वो भी सफर करते हैं। अगर भारतीय मूल की बात की जाए, इसी हादसे में जो यात्री सवार थे, अभी जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक 5 भारतीय इसमें सवार थे, और जबकि 10 के लगभग ये आंकड़ा है जो विदेशी नागरिक थे वो इसमें सवार थे। 53 के लगभग नेपाली मूल के जो यात्री थे वो सवार थे, यानी कुल मिलाकर 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर इसमें सवार थे। काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था। 11:10 का ये वक्त है जब, अगर आपने तस्वीरें देखी हो और जैसा एविएशन जो एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे कि जो विमान है वो लेफ्ट साइड में अचानक से डाउन होता है, उसके बाद क्रैश हो जाता है। बड़ा सवाल ये है कि क्या नेपाली सरकार, और अरविंद जानकारी मिल रही है कि मरने वालों की तादाद बढ़ रही है और पहले से ही अंदेशा ऐसा था, क्योंकि वो विचलित करने वाली डरावनी तस्वीरें आई थी, जोरदार धमाके के साथ प्लेन क्रैश हुआ। 32 से अब आंकड़ा 36 तक पहुंच चुका है अरविंद। जी बिल्कुल बिल्कुल, 36 का आंकड़ा पहुंच चुका है। और आपको बताऊं जो दुखद खबर आई है, 36 का आंकड़ा पहुंच चुका है, बहुत से जो लोगों को रेस्क्यू कराया गया है उनकी भी हालत बहुत गंभीर है, क्योंकि जो एक्सीडेंट साइट है वहां की तस्वीरें हमने भी देखी, काफी भयावह है आशुतोष वो, क्योंकि जैसे ही विमान क्रैश हुआ उसमें आग की लपटें, भयानक आग की लपटें वो दिखाई देने लगी। आसपास जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, जो लोकल लोग थे, जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं, उन लोगों ने मिट्टी बालू फेंकना शुरू किया जिससे आग पर काबू पाया जा सके, लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू हुआ। लेकिन तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा बहुत ज्यादा भयानक है। 36 की मौत की अभी जानकारी अभी आई है और हादसा इतना भयानक है और इतना डरावना, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री है वो खुद कंट्रोल रूम में पहुंचे हुए हैं। तमाम जो नेपाल सरकार का अमला है, जो प्रशासन है, वो स्पॉट पर उतर गया। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 भारतीय इसमें सवार थे, 53 नेपाली मूल के लोग सवार थे, 10 फॉरेनर थे जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन जैसा कि हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि भारत से भी कई लोग सफर करते हैं, कई फॉरेनर सफर करते हैं, और जैसा मैंने बताया जो मेरी जानकारी है 12 साल में तकरीबन 8 विमान हादसे नेपाल में हो चुके हैं, तो ऐसे में नेपाल सरकार को भी जागने की जरूरत है खासतौर से। और जैसा हम बार बार कर रहे हैं कि जो यति एयरलाइंस है वो मोस्ट अनसेफ मानी जाती है पिछले जो हादसे हुए उसको देखते हुए। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर यही आशुतोष की 36 लोगों की मौत हो गई है, जो जिनको रेस्क्यू कराया गया उनकी हालत भी बेहद गंभीर है, और खुद जो नेपाल के प्रधानमंत्री है उन्होंने अब कमान संभाल ली है, कंट्रोल रूम से वो लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं।